पैम्पर रूटीन और जस्ट स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन विच आई डू वीकली ट्वाइस और वंस अ वीक. सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू सी द नोटिफिकेशन ऑफ माई लेटेस्ट वीडियो. सो या लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो. So start starting off with the hair care routine. So I usually oil my hair or I use a hair mask or hair cream. I'll massage the oil in my roots to the hair lengths and leave it for like 1 hour or 2 hours and wash in with some regular shampoo or any mild shampoo and conditioner. By the way, these days I am not using conditioner and yeah, it kind of worked for me. पहले मेरे ज़्यादा hair fall होते थे. So I just used some serum after my hair is dry. आप wet hair पे भी लगा सकते हैं. So just palms में आपको अपने rub करना है serum and apply कर लेना है. So इससे shine भी आती है and smoothness भी आती है बालों में. सो नाउ वी आर डूइंग फेस शेविंग और वैक्सिंग. तो सबसे पहले आप अपने यू नो जहाँ पे भी आपको शेविंग सॉरी वैक्स करना है वहाँ पे आप पाउडर लगा लें एंड देन वहाँ पे ये स्ट्राइप्स लगा लें एंड अपोजिट डायरेक्शन में आपको पुल करना है. सो आई जनरली डू नॉट प्रेफर दिस वैक्सिंग स्ट्रिप्स और वैक्स एनी काइंड ऑफ वैक्स ऑन माई फेस और बॉडी बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन मुझे करना पड़ा. आई जनरली यूज रेजर्स वही अच्छे होते हैं. इससे आपको काफ़ी पेन भी होता है एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है. सो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी बट या एक बार अगर आप करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें बट रेगुलर बेसिस पे आप इसे ना यूज़ करें एंड इसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लें विद सम एलोवेरा जेल और आइस क्यूब भी आप लगा सकते हैं ताकि इरिटेशन कम हो जाए. उसके बाद हम करेंगे आईब्रोज को यू नो थोड़ा सा ग्रूम करेंगे. सो प्रॉपर शेप तो नहीं दे पाएंगे बस जितने एक्स्ट्रा हेयर हैं आप वो लगाएं सॉरी निकालें. एंड मेरे रेजर्स ख़राब हो गए थे सो मुझे इसको आईब्रोज के लिए रखना था बिकॉज आईब्रोज पे मैं वो वैक्स स्ट्रिप से वैक्स नहीं कर पाती अच्छे से कुछ गड़बड़ हो जाती. सो एंड ये इसमें थोड़ी सी शार्पनेस बाकी थी तो मैंने इसे अपने आईब्रोज के लिए यूज़ किया एंड अपर लिप्स के लिए मुझे वैक्स स्ट्रिप्स यूज़ करने पड़े. सो ये आप अपने सेंटर आईब्रोज के सेंटर के बाल निकालें और नीचे के एंड ऊपर पूरा एरिया क्लीन कर लें एंड देन स्पूली की हेल्प से आप ब्रश आउट करें एंड देखिए कहाँ एक्स्ट्रा हेयर्स हैं या लॉन्ग हेयर्स हैं. उसके बाद आप उसे सीजर्स से काट लें जैसे यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ. सो अगर आपके पास रेजर नहीं है तो आप ब्लेड का भी यूज़ कर सकते हैं बट आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हैं बिकॉज यू नो रिस्क लेना ज़्यादा सही नहीं है. तो अगर आपके पास रेजर है या वैक्स आप कर पाते हैं या थ्रेडिंग आप कर पाते हैं तो आप ये करें प्रोसेस एंड अगर आपके पास रेजर है तो क्या ही कहना. तो यहाँ पर मेरा हो गया प्रोसेस कंप्लीट एंड देन मैं एलोवेरा जेल लगा दूँगी. आप चाहें तो यहाँ पे आइस क्यूब भी रब कर सकते हैं ताकि कोई बम्स वगैरह ना हो. नाउ मूविंग ऑन टू लिप स्क्रब. तो मैं बहुत टाइम के बाद ये कर रही हूँ. मैं बहुत कम ये करती हूँ लिप स्क्रब बिकॉज टाइम नहीं मिलता था बट लॉकडाउन में मैंने इसे फिर से करना शुरू किया. सो इसमें आपको बस वैसलीन लेनी है या कोई भी लिप बाम उसे अच्छे से आप लिप्स पे लगा लें एंड देन ब्रश की हेल्प से आप अपनी ऐसे धीरे धीरे करके मसाज करें लिप्स को. इससे आपकी डेड स्किन्स निकल जाएंगी एंड चैप लिप्स की प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पे आप DIY स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं लाइक हनी एंड शुगर को मिक्स करके बट मैं सबसे इजी मुझे ये वाला प्रोसेस ही लगता है. सो मैं ये वाला करती हूँ प्रोसेस. इसमें आपको एक छोटा ब्रश चाहिए होगा जो 3 to 4 ईयर्स के बच्चे के लिए यूज़ होता है वो वाला ब्रश एंड यहाँ पे फिर आपको ऐसे रब कर लेना है एंड आपको मिलेंगे सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज लिप्स. सो स्क्रब के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एवरयूथ का स्क्रब. आप कोई भी DIY स्क्रब या किसी ब्रांड का भी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको अपना कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेना है या कोई भी क्लेंजर एंड देन आपको स्टार्ट करना है स्क्रबिंग.
और अपने वेट स्किन पे एंड उसे हल्के हाथों से मसाज करना है अपने स्किन पे ताकि सारे डेड स्किन्स निकल जाएं। एंड उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है एंड या आप नेक को भी स्क्रब करें। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एवरयूथ का ही यू नो क्ले मास्क D10 वाला ये था। सो आप कोई सा भी क्ले मास्क यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली या एक्ने प्रोन है। बाकी कॉम्बिनेशन नॉर्मल ड्राई वाले कोई भी अपना फेवरेट मास्क यूज़ कर सकते हैं। लाइक DIY में बेसन वाला मास्क सबसे बेस्ट है, उपटन वाला। सो इसके बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें एंड उसके बाद प्लेन वाटर से वॉश कर लें। उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र या सीरम लगा लूँगी। दिस इज़ L'Oreal माइक्रो एसेंस, जिसका रिव्यू मैंने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। सो ये मैं वीकली करती हूँ ये रूटीन, जनरली नाइट टाइम में ही। सो नाउ बॉडी केयर में सबसे पहले मैं बॉडी शेव करती हूँ, तो उसके लिए आई यूज़ सम रेज़र। जनरली वीनस का ही होता है, वीनस जिलेट रेज़र्स, जो कि बहुत सारे वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं। ये सबसे छोटा वाला पैक है एंड ऑल्सो अफोर्डेबल वाला भी, 60 रुपीज़ का होता है। तो इसके लिए आपको पहले अपनी स्किन को वेट करना होगा एंड देन कोई भी यू नो आप बैरियर लगा लें, लाइक कंडीशनर, शैम्पू, बॉडी वॉश या फिर आपके पास शेविंग फोम है तो वो सबसे बेस्ट होगा, या कोई भी सोप भी आप लगा सकते हैं। तो उसे अच्छे से आप ऐसे मसाज कर लें, देन आप अपनी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में पहले शेव करें एंड देन अपोजिट में, तो इससे आपके सारे बाल निकल जाते हैं मैक्सिमम एंड सॉफ्ट स्किन एंड यू नो सपल स्किन मिलती है आपको एंड ये डेड स्किन्स को भी हटा देता है। बस आपको लाइट हैंड से शेव करना होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, एक वीक में आपके ग्रोथ हो जाती है, लाइक मेरी तो हो जाती है। सो वीकली करना पड़ता है, किसी की वीक 2 वीक्स के बाद होती है, किसी 3 वीक्स की। सो आप उस हिसाब से अपनी बॉडी शेव करें। सो शेविंग के पहले आप कोई स्क्रब भी अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक DIY स्क्रब विद सम बेसन, हल्दी एंड शुगर और यू नो कॉफ़ी, वो विच वर्क्स बेस्ट, उससे आपकी शेविंग और भी अच्छी होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल एंड डोंट फॉरगेट टू पैम्पर योर स्किन इन दिस लॉकडाउन, इससे आपका टाइम भी जाएगा एंड आपकी स्किन भी अच्छा फील करेगी, क्योंकि वैसे भी हम हर टाइम दे पाते थे अपनी स्किन को। तो या इस लॉकडाउन में जरूर अपनी स्किन को पैम्पर करें, एक बार ही वीक में सही, बट यू नो स्किन का ख्याल रखें एंड आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय।